अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हकीम शालम। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनमथरस के बारे में। जानेंगे मनमथरस किन किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है, इसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में, इसके नुस्खे कंपोजिशन के बारे में और इसकी तासीर के बारे में और इस्तेमाल करने की पूरी डिटेल, जिससे आप लोग फ़ायदा उठा सकें और अपनी बीमारी का इलाज अपने मिजाज के मुताबिक अपने घर पर ही कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मनमथरस औरत और मर्द दोनों के गुप्त अंगों को ताकत देता है। मनमथरस में भस्म होने की वजह से यह अंग्रेजी दवाई की तरह काम करता है। यौन इच्छा की कमी को दूर करता है, औरतों में लिकोरिया को खत्म करता है। दोस्तों, लिकोरिया की वजह से जिन महिलाओं को उम्र से पहले बुढ़ापा आ जाता है, चेहरे पर झुर्रियां पड़ जाती हैं, कमर दर्द और पांव दर्द होने लगते हैं और चिड़चिड़ापन आ जाता है। लिकोरिया महिलाओं के शरीर को कमजोर कर देता है। दोस्तों, लिकोरिया की वजह से बच्चेदानी कमजोर हो जाती है, जिससे औरत के बांझ होने का भी खतरा बढ़ जाता है। मनमथरस महिलाओं की इन सभी समस्याओं को जड़ से खत्म करता है। जिन लोगों का लिंग ढीला रहता है, पेशाब में धात जाती है या बढ़ती उम्र की वजह से नामर्दगी हो गई है, वीर्य बहुत जल्दी निकल जाता है, जिससे ना आप संतुष्ट होते हैं ना आपकी बीवी को संतुष्टि मिलती है। मनमथरस शरीर में आई वीर्य की कमी को दूर करता है। जो लोग दो चार झटकों में ही फारिग हो जाते हैं, मनमथरस वीर्य को लंबे समय तक रोकता है और मर्दाना टाइमिंग को बढ़ाता है। लिंग में खून के दौरान को दुरुस्त करता है और लिंग को शक्ति देता है और लिंग के साइज को बढ़ाता है। जिन लोगों का लिंग संभोग करते करते ही सुकड़ जाता है, मनमथरस के इस्तेमाल से लिंग लकड़ी की तरह सख्त हो जाता है। मनमथरस दिल दिमाग और आसाब को ताकत देता है। औरत मर्द दोनों में यौन इच्छा को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। महिलाओं में यूट्रस यानी बच्चेदानी को ताकत देता है, वीर्य को बनाता है और गाढ़ा करता है, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है। बांझ औरतों और मर्दों के लिए अनमोल तोहफा है। जिन महिलाओं की वजाइना ज्यादा सेक्स करने या बच्चे होने की वजह से ढीली पड़ जाती है, मनमथरस वजाइना को टाइट करता है, मर्दों के लिंग को सख्त बनाता है। जिन मर्दों या औरतों को सेक्स करने में आनंद नहीं आता या सेक्स करने की इच्छा बढ़ाने के लिए एलोपैथिक दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं, एलोपैथिक दवाइयों के शरीर में साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे दिल व दिमाग का कमजोर पड़ना या गुर्दों का कमजोर हो जाना, गुर्दों में यूरिया और क्रिएटिन की मात्रा का बढ़ जाना, जिसकी वजह से डायलिसिस तक नौबत आ जाती है। गलत दवाइयां बिल्कुल ना खाएं, मनमथरस का इस्तेमाल करें। मनमथरस नेचुरल जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। मनमथरस वीर्य को बनाता है और गाढ़ा करता है, शुक्राणु की संख्या को बढ़ाता है, हस्त मैथुन से आई मर्दाना कमजोरी दूर करता है। दोस्तों, मनमथरस तासीर में गर्म होता है, मनमथरस शरीर को बलवान बनाता है। दोस्तों, मनमथरस वैद्यनाथ कंपनी का क्लासिकल प्रोडक्ट है, इसको दूसरी यूनानी कंपनियां भी बनाती हैं। आप किसी भी अच्छी कंपनी का मनमथरस खरीद सकते हैं। इसकी कीमत 180 रुपये है, इसमें 40 टैबलेट हैं। बात करें अगर इसकी जड़ी बूटियों की, इसमें शुद्ध पारद भस्म, गंधक, अबरक भस्म, शुद्ध कपूर, वंग भस्म, लो भस्म, तामर भस्म, विदारा की जड़, जीरा, विदारी कंद, शतावरी, ताल मखाना, बाला की जड़, कोच के बीज, अतीस, जवित्री,
जायफल, लौंग, भांग के बीज, अजवायन और सफेद राल इन्हीं कीमती और असरदार जड़ी बूटियों और भस्मों से मनमत रस तैयार किया जाता है। परहेज, तली भुनी तेज मसालों की चीजों का परहेज करें, रात का खाना जल्दी खाएं। तरीका इस्तेमाल, 1 से 2 गोली सुबह को खाली पेट, 1 से 2 गोली रात को सोते समय, पानी या दूध के साथ इस्तेमाल करें। दोस्तों, गर्भवती महिलाओं को और बच्चों को मनमत रस का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा जानकारी पाने के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, मिलते हैं कैसी नई वीडियो के साथ, तब तक।